आंदोलन कर रहे रेस्लर्स के साथ बहुत सकारात्मक बैठक हुई। जितने विषय उनकी ओर से भी आए उस पर भी चर्चा बड़ी गंभीरता से भी हुई और हमने कहा कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी, 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव कर दिए जाएंगे, खिलाड़ियों के लिए जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसका गठन करके महिला खिलाड़ी को उसका चेयरमैन बनाना या महिला अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाना वो किया जाएगा। जो एडहॉक कमेटी आईओ की बनी है उसमें 2 कोचिज के नाम उनकी ओर से आए हैं उसका मेंबर बनाने के लिए, उनको उसका मेंबर बनाया जाएगा। खिलाड़ियों ने सुरक्षा की मांग की है कि महिला या पुरुष खिलाड़ी जिसको भी सुरक्षा की जरूरत हो उसको सुरक्षा दी जाए। मुकदमे वापस लेने की बात अखाड़ों पर, खिलाड़ियों पर, अकेडमीज पर, कोचिज पर की है। ये सारी बातें जो उन्होंने और मांगे रखी थी उसके ऊपर ना केवल बातचीत बल्कि विचार करके निर्णय भी किया गया है और प्लेयर्स ने भी यही कहा कि वो भी अपनी इन सब बातों को जाके उनके समर्थक हैं उनके साथ भी रखेंगे और हम भी चाहते हैं कि वो वापस मैट पर आए, प्रशिक्षण करें और आगे कंपटीशन में भाग भी लें। देखिए अब मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा कि कितने राजनीतिक दल उसका हिस्सा बने या कौन बने। आज समय ये है कि बातचीत बहुत अच्छी हुई है और खिलाड़ियों ने भी उस दिशा में कदम उठाए हैं और हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि चार्जशीट जल्दी दायर हो, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलेगा, अगले कदम भी कार्रवाई उसके बाद।